वैसे भी हो मनोकामना मुंह से निकलते ही होगी पूरी, लेकिन उसके लिए करना है आपको सोने से पहले यह मंत्र बोलना है। दोस्तों आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी में हर किसी के पास अपने लिए वक्त वैसे तो बचा नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर हम नींद भी ठीक से नहीं लेते हैं तो ऐसे में तनाव से गुजरते हैं, अनिद्रा की समस्या आती है और कुछ लोगों को तो बुरे सपने भी आते हैं। और इन सभी परेशानियों से बचने के लिए हम तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं। जीवन में अगर पैसे नहीं हो, धन नहीं हो, तो हमारा जीवन बिल्कुल नरकी बन जाता है। तो ऐसे में कुछ मंत्र है, मंत्र की शक्ति तो अब तो पूरी दुनिया जानती है, और ऐसे में अगर इन मंत्रों का जप करके हम अपने जीवन को संवार लेते हैं तो इससे अच्छा भला क्या होगा। इसमें बहुत सारे मंत्र आते हैं, जैसे रात में अगर आपने बुरे सपने देखे हैं या फिर बार बार चौंक कर उठ जाते हैं, तो ऐसे में ओम सा ता ना मा इस नामक इस मंत्र का जप करने से रात में बुरे सपने नहीं आएंगे और दिमाग के अंदर के नसों को आराम मिलता है, अच्छी नींद आती है। अगर आपको तनाव कम करना है, बहुत तनाव है, हर हर मुकुंदे इस मंत्र का जप करें। यह मंत्र दिमाग को भी शांत करता है और अच्छी नींद भी आएगी, डर भी नहीं लगेगा। और सबसे बड़ा मंत्र जो हमारे गणेश जी हैं विघ्नहर्ता, अगर उनका मंत्र आप सोने से पहले जपते हैं ओम गं गणपतये नमः, तो इस मंत्र का जप करने से आपकी सारी समस्या का निदान हो जाता है और जीवन में आपकी शुभता ही शुभता होने लगती है। तो इन छोटे छोटे मंत्रों का आप जप करके अपने जीवन को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आपको धन की समस्या दूर करने के लिए रात में, जैसे ये सामने स्क्रीन पे मंत्र है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली मंत्र है। इसका जप कम से कम 11 बार करके सोइए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होने लगता है। अच्युतं केशवं विष्णु हरि सोमं जनार्दनं, इस मंत्र का जप 11 बार कीजिएगा और फिर सो जाइए, फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होने लगती है। आय के तमाम जो स्रोत हैं वो बढ़ने लगेंगे, धन आने लगेगा, जॉब करते हैं तो वहाँ परेशानी कम होगी, पैसे कम खर्च होंगे, पैसे की बचत होगी और जीवन का जो आनंद वाला पार्ट है, भगवान विष्णु यानी शुक्र वाला जो पार्ट है वो मजबूत होगा। जीवन में धन वैभव के साथ आप सुखों को भोग पाएंगे। बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ होता है पर सुख नहीं कर पाते, तो उन चीज़ों की बढ़ोतरी के लिए ये मंत्र बहुत कारगर है। और जिनके पास नहीं है वो भी जब कि आपके पास भी आ जाएगा। फिर मिलेंगे।